दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना मुरादाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष पर विशेष धर्म पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने कार्यालय के बाहर खुले मंच पर मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाए जाने का बयान दिया था। आरोप है कि इसके अलावा विशेष धर्म के लोगों पर अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, जिसे लेकर रेलवे रोड चौकी पर तैनात उप निरीक्षक की तरफ से यह मामला दर्ज कराया गया है। जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूँ उन्हें, उन तक संदेश पहुंचा दो, उन स्वरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, उतारने का काम करेगी। आप चाहते हो कि नहीं करेंगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू वाहिनी से आप जुड़े हुए हैं, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए हैं, तो यह आपका कार्य है कोई भी हमारा परिवार परेशान ना रहे। जो लोग कहते थे योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, आज उनकी पेंट आगे से गीली पीछे से पीली हो रही है। तो ये आपकी ताकत है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भगवान आज स्थापित किया। सभी से अनुरोध करता हूं जातिवाद को खत्म करके हिंदू संगठित रहे। जब तक हिंदू संगठित रहा तो राम मंदिर बनना है कि नहीं बनना? आपकी एक वोट ने राम मंदिर में ईंट लगाने का कार्य किया हो। आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आप भी अपने मोहल्ले पड़ोस में जाकर सभी हिंदू परिवारों को धन्यवाद करें, उन्हें विश्वास दिलाएं कि कोई भी आपकी समस्या होगी तो हिंदू वाहिनी आपके कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ी है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जिस एक सूचना और दे देता हूँ, जिस दिन महाराज जी शपथ लेंगे उससे 1 या 2 दिन बाद विजय जल न्यूज निकला जाएगा, उसमें आप सभी साधारण मंत्री थे और मजबूती के साथ साधारण मंत्री थे। रहोगे कि नहीं रहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हिंदू वाहिनी का जिलाध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाऊं कि दिनों रात आपके साथ एक भाई होने के नाते कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा मिलूंगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें हिंदू युवा वाहिनी गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष आयुष त्यागी का ये वीडियो था, जिसमें वो एक धर्म विशेष पर टिप्पणी कर रहे थे और एक उकसाने वाली बातें कर रहे थे। इसके बाद पुलिस की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा थाना मुरादनगर पे आवश्यक धाराओं में पंजीकृत करा दिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और इस तरह की जो भी बातें हैं, सौहार्द बिगाड़ने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और उन पर लगातार सख्त से सख्त और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले? अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, मुकदमा भी कल ही पंजीकृत हुआ है और इसमें विवेचना जैसी भी आगे प्रोग्रेस होती है वो आप हमको जानकारी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।